Hello everyone, welcome back to our channel CET by Gokul Chhabra, India's #1 platform for CET and other entrance exam. I am your educator Kiran Sharma. आज हम यहाँ पर करेंगे अकाउंटेंसी का पेपर एनालिसिस। कुछ बच्चों के जो है एग्जाम हो चुके हैं, बट अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम रह गए हैं, ठीक है। तो जो पेपर अभी हो चुका है उसके बेसिस पर जो है हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए थे, ठीक है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारे चैप्टर्स है, मैं आपको बता देने वाली हूँ कि किन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। देखो सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले क्या हुआ था कि कुछ बच्चों का सेंटर जो है बहुत दूर हो गया था, बट एनटीए ने क्या किया, उनकी सुन ली और सेंटर जो है पास में ही हो गए हैं बच्चों के, ठीक है। और क्या हुआ, कुछ सेंटर में या तो ये सेंटर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एनटीए की साइड से ही था। पेपर में जो टाइम लिमिट बोला गया था कि 60 मिनट्स मिलेंगी, बट कुछ सेंटर्स में क्या हुआ 45 मिनट्स दिए गए। बट अब ये चीज अच्छी हो चुकी है कि पेपर में जो है 60 मिनट्स ही आपको मिलने वाले हैं, सबसे अच्छी चीज ये है। बट फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखनी है कि आप 45 मिनट्स में अपना पेपर जो है कंप्लीट कर लें, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है। क्या होगा, आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गिवन होंगे 50 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। 50 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम 40 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? नो, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया है, तो आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, 40 से ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या होगी, अगर आपने 40 से ज्यादा क्वेश्चंस किए तो क्या होगा, जो आपके स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे ना, ओनली वही चेक किए जाएंगे, उसके बाद के क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। अगर आपका करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स मिलने वाले हैं, बट अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो उसके लिए 1 मार्क आपका जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी को नहीं करना है, उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर जो है आपको 100% करेक्ट लग रहा है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ओनली वही आंसर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जब आप आंसर सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान से करना है, बिल्कुल अपने माइंड का जो फोकस है बिल्कुल एकदम पेपर पर ही रखना है, इधर उधर अपना माइंड नहीं रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको आंसर जो है चूज करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज अपने माइंड में रखनी है आपको, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स मिलने वाले हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 50 क्वेश्चन ही करके आ गए, तो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस जो होंगे ओनली उन्हीं के लिए आपको मार्क मिलेंगे, चाहे वो आपके रॉन्ग है या राइट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम तो 50 के 50 कर दे रहे हैं और जो क्वेश्चन करेक्ट होंगे उनको मैम चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चा, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। बोर्ड एग्जाम भी आप लोग देकर आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चंस होंगे वही आपके चेक किए जाएंगे, इसलिए आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो जो आपको नहीं आते, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पेपर के बारे में कि पेपर किस तरह का आ रहा है। पेपर का जो लेवल है, लेवल बच्चा इजी है, ठीक है। लेवल जो है पेपर का इजी है, मॉडरेट भी नहीं है, लेवल जो है इजी आ रहा है पेपर का। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी लेवल है, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलने लग जाना कि हमारा पेपर बाद में होगा तो क्या हमारा डिफिकल्ट पेपर आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐसा कि मैम हमने सुना है कि पेपर जिनका लास्ट में होने वाला है, जून में होने वाला है, उनका पेपर तो डिफिकल्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पेपर लेवल जो है इजी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, बट अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है ना तो कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए वो आपके लिए इजी ही रहने वाला है, ठीक है। वैसे पेपर लेवल इजी ही है आपका, ठीक है, और इजी ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट हो सकता है, बट डिफिकल्ट लेवल पेपर नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उन्हीं में से आपका पूरा पेपर आया है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उन्हीं में से ही पूरा पेपर आया है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रिपेयर कराए हैं आपको उनमें से ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए हैं। मैच द फॉलोइंग वाले कैसे क्वेश्चन, कि जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उस तरह उसमें किस तरह की एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कि किस तरह के अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने हैं। मीन्स पहले क्या प्रिपेयर होगा, रिसीट एंड पेमेंट होगा, कैश बुक होगी, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, या बैलेंस शीट होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो मैं आपको करवा चुकी हूँ क्लास में, मैच वाले क्वेश्चन भी इसमें आपको मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, और किस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हैं, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। ठीक है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आए आपके पार्टनरशिप में से, गुडविल में से भी न्यूमेरिकल आए हैं, गुडविल में से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल्स आए हैं। जैसे कि गुडविल में हो गया गारंटी वाला क्वेश्चन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन जो है, क्या था ये सिलेबस में नहीं था, बट वन क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है गारंटी वाला, और मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि न्यू पार्टनर आया है, उसको गारंटी दी गई है कि उसको 10,000 प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, और जो वो डिफिशियंसी अगर कुछ होगी तो उसको कंटिन्यू, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बॉन्ड करेंगे, किस रेशो में करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मैंने करवाया हुआ है आपको क्लास में। ठीक है, पार्टनरशिप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से, जैसे कि प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर अगर प्रीमियम लेकर के आया है गुडविल का, कैश में लाया है, तो उसको जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या होनी है गुडविल की, किस तरह से मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल को एडजस्ट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। मींस नॉर्मल क्वेश्चन है कि ओल्ड पार्टनर्स जो है प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारा चैप्टर है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो गुडविल हमारी अपीयर है बैलेंस शीट में उसका क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से आए हैं। बहुत इजी चैप्टर है हमारे, सबको आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, करवाए हुए हैं मैंने क्लास में बहुत सारे, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल थे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हुए हैं मैंने क्लास में। ठीक है, यहां से रियलाइजेशन अकाउंट जो है आपका डिसोल्यूशन से आया है, टू फाइंड लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, जैसे कि आपका डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन में क्या है, डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, और अगर किसी फर्नीचर की सेल हुई है उस पर लॉस हुआ है या गेन हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट बना करके फाइंड आउट करना है। वो चीज आपको डिसोल्यूशन में पूछी गई है। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ में भी गुडविल की ट्रीटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हमारे। शेयर कैपिटल से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको करवाए हुए हैं क्लास में, कि ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है हमारी पहले, फिर उसके बाद में इश्यूड कैपिटल आती है, फिर सब्सक्राइब्ड आती है, सब्सक्राइब फुली पेड अप बट नॉट, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इस तरह से कि किस सीक्वेंस में उनको अरेंज करना है। नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर अगर करने हैं बैलेंस शीट के लिए तो उसमें क्या सीक्वेंस रहने वाली है, तो आपको शेयर कैपिटल के अंदर सीक्वेंस अच्छे से लर्न कर लेनी है। मैच दी फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर ये पूछ लिया कि रिडीमेबल डिबेंचर्स किस टाइप में आता है, या जीरो कूपन वाले जो डिबेंचर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं डिबेंचर से। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। बहुत सारे बच्चों को टेंशन थी कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमें अच्छे से नहीं आता, बट मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसके। ठीक है, बट आपकी जो भी आपके मन में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट थी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए, उसको दूर करने के लिए मैं बता दूं कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबने पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब इसी में ही आ रहे हैं। तो इनमें से जो है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए हैं कि पहले कौन सी स्टेटमेंट बनती है, फिर उसके बाद में कौन सी स्टेटमेंट बनती है, या फिर सीक्वेंस वाले की फाइनेंशियल एनालिसिस जो किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन और वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि मतलब वर्टिकल एनालिसिस जो किया जाता है वो किस टाइप की बैलेंस शीट में किया जाता है, कॉमन साइज में होता है या कंपैरेटिव बैलेंस शीट में होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया जाता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया जाता है या कॉमन साइज बैलेंस शीट में किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में, करवा चुकी हूँ मैं आपको लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में अपने किए हुए हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसको बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में क्या पूछा गया है कि टाइप ऑफ लिक्विड रेशियो, कितने टाइप्स के होते हैं लिक्विड रेशियो, जैसे कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हो गया हमारा। ठीक है, या फिर करंट रेशियो किस रेशियो के अंडर आता है, सोलवेंसी रेशियो क्यों मेजर करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हमारे आए हैं, जैसे कि सेल हुई है किसी फिक्स्ड एसेट की तो वो किस एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, एम्प्लॉय को बोनस की पेमेंट हो रही है, किस एक्टिविटी में आएगा, इस तरह से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, सबको क्लियर है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एक्टिविटीज को मैच करना है कि किस एक्टिविटीज में क्या चीज की जाती है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डर लग रहा था बच्चों को क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है आपके सिलेबस में नहीं था, बट वो भी हमने किया है अच्छे से। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे टोटल 4 चैप्टर्स हैं और इन 4 चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, मुश्किल से 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से, 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं हमारे, जैसे कि डेटा वोल्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, डेटा ऑडिट वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं कि डेटा ऑडिट क्या होता है, डेटा वोल्ट क्या होता है ऑप्शन में। ठीक है, रेशियो एनालिसिस से भी हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं, रिडम्पशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो मतलब ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है आपका, पेपर लेवल जो है बहुत इजी है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से पूरा पेपर आया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनकी पीडीएफ्स पर एक बार नजर मार करके जरूर जाना एग्जाम में। ठीक है, और जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं उन नोट्स पर भी एक नजर मार लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो यही आपका पूरा पेपर पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है कम आए हैं, ज्यादा जो है थ्योरेटिकल बेस्ड था पेपर, पेपर जो है ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड है और न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर जो है कम है। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आपके इन चैप्टर में से ही आए हैं, जैसे आपके रिटायरमेंट डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप गुडविल, इन चैप्टर से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, बाकी चैप्टर से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पेपर लेवल जो है इजी है, मॉडरेट जो है बहुत कम है। ठीक है, और आपको ये नहीं सोचना है कि अब पेपर इजी हुआ है तो आगे डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है, आगे भी हमारा पेपर इजी ही रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट हो जा सकता है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फोड़ के आना है एग्जाम को, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है और मैं ये गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि जिन्होंने भी लाइव क्लास अटेंड की है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन अगर आपने किए हैं अच्छे से तो आप 100% अपना सीईटी का पेपर जो है क्लियर करके आओगे, फोड़ के आओगे एग्जाम को। ठीक है, तो क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है, कॉन्फिडेंस लेवल को अपने बनाए रखना है और बहुत अच्छे से एग्जाम को करके आना है। पेपर लेवल जो है इजी है आपका, ठीक है, जो कराया है मैंने आपको वही आ रहा है पेपर में। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारा ये रफ्तार बैच है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड दोनों में मिलेंगे, जिसके लिए आपको पे करने हैं ओनली 1499 रुपीज। ठीक है, और अगर आपको डोमेन नहीं चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट चाहिए ओनली रिकॉर्डेड एंड लाइव में, तो उसके लिए आपको 999 पे करने हैं। ठीक है, और अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए हैं, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट ओनली रिकॉर्डेड में चाहिए, तो इसके लिए आपको पे करने हैं ओनली 999 रुपीज। क्लियर, कोड आपको यूज करना है happy50। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जो है आप डेमो लेक्चर्स जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सीईटी बाय गोकुल छाबड़ा, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बच्चा ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। दिस इज वेरी हेल्पफुल चैनल, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स एनटीए से रिलेटेड होती है या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो इमीडिएटली यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली दे दी जाती है। जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन भी 5 मिनट पहले जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। ये हमारी लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप है, क्या करना है आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और वहां से लर्न करो ऐप को जो है इंस्टॉल करना है, इस तरह की पिक्चर आपके सामने आएगी। ठीक है, और इसी के अंदर जो है आपको सारा डेटा मिलेगा, जो भी हमारी फ्री या पेड बैचेस चलते हैं वो सब इसी में ही है। यूट्यूब क्लासेस की जो हमारी पीडीएफ्स होती है वो भी आपको यहीं पर ही मिलने वाली है 1 रुपये बैच के अंडर। ठीक है, तो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है वो लर्न करो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहीं पर ही ओवर करेंगे, दोबारा फिर से बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है अपना, एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आना है। एग्जाम लेवल इजी है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास।